अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों आज हम आए हैं ब्रिजेश भाई का सेटअप विजिट करने, जो कि सामने आप देख सकते हैं ये पूरी अवेरी है और इसके अंदर इन्होंने सेपरेट लगाया हुआ है। तो इसका जो साइज़ है दोस्तों वो आगे से इस तरीके से आपको देखने में 18 फीट है और गहरान इसकी जो दोस्तों वो 12 फीट है और हाइट भी इसकी 12 फीट है। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको सेटअप विजिट कराते हैं। तो इस तरफ से दोस्तों इनका गेट है और ये देख सकते हैं ये गेट एंट्रेंस का है। इसमें इन्होंने ये स्प्रिंग लगाई हुई है कि अगर हम अवेरी में आते हैं तो गेट अपने आप डायरेक्ट से बंद हो जाए, कभी भी कोई बर्ड जो है इसमें से बाहर ना जा पाए। तो आइए मिलते हैं ब्रिजेश भाई से। ब्रिजेश भाई नमस्कार। ये ब्रिजेश भाई हैं और ये बढ़िया हैं हम। और ये देखिए इनके हाथ में जो है ये इसका नाम है टाइगर और ये इनके अवेरी की शान है, समझ लीजिए। ये बिल्कुल खुला ही रहता है, फुल्ली टेम है और लॉकडाउन में समझ लीजिए लॉकडाउन का फल है, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप सेटअप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है ब्रिजेश भाई का और बहुत ही अच्छा बड़ा कलेक्शन है। तो आइए बारी बारी से मैं आपको इनकी बर्ड दिखाता हूँ और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉकटेल का पेयर है, बहुत ही बेहतरीन ब्रीडर और ब्रीडर पेयर है। ये देख सकते हैं एक ब्रिजेश भाई, ये फीमेल है, मेल है, ये मेल है और इसकी फीमेल जो है मटकी में बैठी है अंडों पर। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत फीमेल है और फार्म पर्ल है ये। तो पहला पेयर ये था ब्रिजेश भाई का, पहले ही मटकी में आपने जो है प्रोग्रेस देख ली। और उसके बाद देख सकते हैं एक पेयर यहाँ पे है, ये भी कॉकटेल का है और कॉकटेल की बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ब्रीड कराते हैं ब्रिजेश भाई। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बेहतरीन ब्रीडिंग हुई है और एक बच्चा इधर है और इसी साइड है, नहीं एक साइड इधर दिख रहा है, देखिए एक बच्चा इस साइड है और एक बच्चा इधर है छुपा हुआ है बॉक्स में। ये देखिए मैंने हाथ से इसे बाहर निकाल दिया। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से दो बच्चे हैं और दोनों बहुत हेल्दी हैं। तो ब्रिजेश भाई के पास कॉकटेल की बहुत ही बेहतरीन जो है ब्रीडिंग होती है, जैसे कि जिशान भाई के पास होती है। और अब इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे जो है फिशरी का एक पेयर है, ब्लू फिशरी है, बहुत ही खूबसूरत पेयर है। आप देख सकते हैं मटकियों के पीछे ये छुपा हुआ है। तो चलिए इसको आप छोड़ते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये ब्रिजेश भाई के घर के बच्चे निकले हुए हैं, ऑफलाइन है नॉन लिंग में और ये पाइड है और येलो पाइड है, बहुत ही खूबसूरत पेयर है ये, क्योंकि इस तरह के लबर्ड नॉन लिंग में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कई कलर मिक्स होता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है और उसके ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लबर्ड का पेयर है इनका, अंदर इसमें है, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पेयर माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन पेयर है और अभी इसने कुछ ब्रीड नहीं की है लेकिन बहुत जल्दी ये भी ब्रीड पे आ जाएगा, नेस्टिंग वगैरह इसने कर ली है। और इसके ऊपर देखिए दोस्तों आपको एक डाइल्यूट का जो है एक पेयर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बहुत ज़्यादा हमारे ख्याल से साफ नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि दूसरे साइड से पर्दा लगा हुआ है तो रोशनी आ रही है। ये डाइल्यूट का पेयर है और बहुत ही बढ़िया पेयर है और इसने ब्रीडिंग कर रखी है। आइए मैं आपको इसके चिक्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से एक बच्चा है तो इसने भी ब्रीडिंग की हुई है। और इसके बगल में देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक पेयर है और लबर्ड का, ये रेड आई का स्प्लिट है दोस्तों और हमेशा ये जब भी बच्चे निकालता है एक दो बच्चे ज़रूर रेड आई निकालता है। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें लगता है फीमेल ने कुछ लेके बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा बच्चा है। तो इसमें ब्रिजेश भाई बता रहे हैं देखिए हैच हुआ है जो कि सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो लग रहा है फीमेल दोबारा से अंडे ले करने की तैयारी कर रही है। तो ये पेयर जब भी दो तीन बच्चे निकालता है तो ज़रूर एक आध बच्चा तो निकल ही जाता है रेड आई इनका, क्योंकि ये रेड आई का स्प्लिट है। और इसके बाद दोस्तों इसके नीचे एक पेयर और है, वायलेट और डाइल्यूट का बता रहे हैं ब्रिजेश भाई कि एक पेयर है इसमें और इसमें भी कुछ ब्रीडिंग शायद आई है। तो देख तो इसमें काफ़ी अंदर इसने अंडे दिए हुए थे तो कैमरा नहीं जा रहा था, लेकिन रुकिए मैं ऐसा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद नज़र आ जाए। तो पता नहीं आया या नहीं आया वीडियो में, मैंने तो कैमरा अंदर डाल दिया था, अब वीडियो आने पे ही पता चलेगा। और इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पेयर है, ये भी बहुत शानदार पेयर है, धानी है और ये एक स्प्लिट लग रहा है
और ये ब्रिजेश भाई बता रहे हैं कि ये 5-5 बच्चे निकालता है। थोड़ा सा धूप के वजह से इसकी वीडियो सही नहीं आ रही है, लेकिन खैर आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। तो अभी तो ये देखिए, एक तरफ का आपको मैंने अभी वीडियो का व्यू दिखाया है जिधर ब्रिजेश भाई खड़े हुए हैं, और अब जाके इधर की वीडियो स्टार्ट होगी, असली वीडियो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि इधर बर्ड दिखेगी भी अच्छी और इधर ब्रिजेश भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भी रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लबड़ ऊपर डले हुए हैं, इनके घर के सारे पट्टे ही हैं, तो यहाँ पे कुछ डले हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ख़ूबसूरत एक पाइड की जो है फीमेल है, ये पैचलेस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड चल रहा है इस समय पैचलेस का। तो इस तरीके की पैचलेस की फ़ीमेल या मेल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसमें भी देखिए ब्रिजेश भाई ने रखा हुआ है। और यहाँ पे भी एक पट्टा है और ये भी बहुत शानदार है। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे देखते हैं, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे कलर में है। ये जितने भी आप देख रहे हैं पट्टे, ये मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया है कि ये रेड आई बच्चे निकालता है, ये उन्हीं के बच्चे हैं। और एक पीस इसमें पीछे दिख भी रहा होगा रेड आई, तो वो उसी पेड़ का बच्चा है। तो दोस्तों ये हमेशा रेड आई निकालता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं आपको माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फार ब्लू का एक पेयर दिख रहा होगा। फ्लैश जल रहा है दोस्तों, मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी में सही नहीं आएगी फ्लैश से। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फार ब्लू का पेयर यहाँ पर रखा हुआ है ब्रिजेश भाई ने। थोड़ा केज ऊपर लगा है इसलिए मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक, लेकिन आप लोगों को तो दिख गया होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ भी इन्होंने एक पेयर कॉकाटेल का रखा हुआ है, और इसने भी माशाल्लाह से ब्रीडिंग की हुई है बहुत अच्छी, और इसने भी 3 बच्चे निकाले हुए हैं ब्रिजेश भाई बता रहे हैं। तो रुकिए मैं आपको बच्चों को दिखाता हूँ, अब देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे 3 बच्चे दिख रहे होंगे आपको, 3 बच्चे दिख रहे हैं, तीनों के तीनों बहुत हेल्दी हैं। तो ये इनका ब्रीडर पेयर है, हमेशा ये भी 3 बच्चे 4 बच्चे निकालता है। और इसके नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ इन्होंने और भी कुछ पैचलेस के पीस रखे हुए हैं, और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के पैचलेस हैं। और ये ग्रे वाला मेल है, अभी पट्टा है, और ये वाइट वाली फीमेल है, और ये देख सकते हैं ये फार्म पैचलेस है, ये मेल है। तो ये भी इन्होंने रखे हुए हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो अभी तो फ़िलहाल ये इनकी एज कम है, तो ये नेक्स्ट सीज़न में स्टार्ट मतलब जो है तैयार होंगे ब्रीडिंग के लिए। और यहाँ आप देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत पेयर है, फाइट का इसमें मेल है और फीमेल देखते हैं कौन सी है इसमें मट्टी में, तो फाइट की ही फीमेल भी है। और देख सकते हैं ये अभी अंडे पे बैठी हुई है, तो इसका भी जल्दी बच्चा हैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रीडिंग चलती है। और दोस्तों क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, लेकिन फिर भी कॉकटेल का जो है सीज़न हमेशा रहता है, और दिसंबर जनवरी में प्रॉब्लम होती है ब्रीडिंग में, बाकी ये गर्मियों में बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं, तो इसलिए गर्मी में भी ब्रीड ले रहे हैं ब्रिजेश भाई। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का पेयर बैठा हुआ है। आप इस पेयर की साइज़ देखिए, और ये मेल की जो आप चोटी होती है, जो जिससे कॉकटेल की पहचान होती है क्वालिटी की, हेड देखिए और इसकी चोटी देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आ रहा है वीडियो में भी और रियलिटी में भी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो चुटिया है, इसकी साइज़ क्या है, और साथ ही साथ इसका जो साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए मैंने यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ पे भी ब्रिजेश भाई के पास कुछ वॉयलेट पड़े हुए हैं और मुँह मास के बच्चे निकले हुए हैं, तो ये ऊपर इन्होंने रख दिया है इसको अलग से। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर भी कॉकटेल पेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेयर है। जितने भी पेयर ब्रिजेश भाई ने रखे हैं बहुत चुन चुन के रखे हैं, और ये देख सकते हैं पर्ल की फ़ीमेल है और पाइड का मेल है। तो इसमें कुछ है या नहीं है, अभी अंडे नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्द नहीं अंडे आ गए हैं। देखिए ब्रिजेश भाई बोल रहे थे कि इसमें अंडे नहीं हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम था और इसने अंडे ले कर दिए हैं। तो ये भी पेयर ब्रीड कर गया है, ये मेल देखिए कैमरे से ही खेलने लग गया। तो आइए बाहर चलते हैं और तो आगे चलते हैं। अब इसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो इसके नीचे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। मैं कैमरा बाहर से ही दिखाता हूँ, ये देखिए मुँह मास का एक पेयर है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, और जाली पे से नहीं आ रहा था, मैं ऊपर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसने भी ब्रीड कर दी है, और आपको बच्चे दिख रहे होंगे, इसमें बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत ही बढ़िया पेयर है। इसका जो मैंने ऊपर बच्चा दिखाया मुँह मास का बट्ठा निकला है,
तो वो इसी पेयर का है। तो ब्रिजेश भाई के पास जो भी पेयर है वो काफ़ी अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छे ब्रीड करते हैं भाई, कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो ब्रीड ना करता हो। 90% पेयर अवेरी में इनके जो हैं वो अच्छे ब्रीड करते हैं और बच्चे पाल के बड़े कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेयर यहाँ भी है और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ब्रीड स्टार्ट है और दो बच्चे निकल गए हैं और एक अंडा बचा हुआ है। फीमेल देखिए ये सामने आपको दिख रही होगी, ये फीमेल है और मेल जो है स्प्लिट है। ब्रिजेश भाई या धानी है, ये भी स्प्लिट है, जो रेडाई निकालता है उसी का स्प्लिट है ये। और ये पेयर है और बच्चे भी इसने निकाल दिए हैं, तो ये भी पेयर बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। और बॉक्स जो भी ब्रिजेश भाई ने लगाया है सब सेपरेट में लगाया है लेटे रुक का, और इसमें बहुत अच्छी ब्रीड आती है ब्रिजेश भाई बता रहे हैं। तो सेपरेट के लिए मेरे ख्याल से ये बॉक्स बहुत अच्छा रहता है, खोलने में भी आसान रहता है, बाहर निकालने में भी आसान रहता है, और आपने सिंगल अगर रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एक पेयर यहाँ देख सकते हैं, ये भी इन्होंने स्प्लिट लगाया है और एक डाइल्यूट लग रहा है मुझे, तो वो है